फॉर रेडमी के ट्वेंटी प्रो सो काफी पसंद है तो ये ओ एस लिटरली आपके लिए ही है बस इसमें आपको ऐप्स नहीं मिलेंगे ऑक्सीजन ओ एस के बट आपको पूरा लुक एंड फील आपको वही मिलेगा इवन नोटिफिकेशन पैनल एंड सिस्टम सेटिंग्स या फिर आप उसके बाद ये बोलो कि इधर पर नोटिफिकेशन साउंड एंड रिंग आपको पूरा का पूरा आपको क्लोजेस्ट थिंग अगर कुछ चाहिए है ऑक्सीजन ओ से तो वो आपके लिए है स्पार्क ओ तो चलिए देखते हैं इस रिव्यू में हाउ इज़ इट रियली इज अबाउट सेक्शन में हमको सबसे ऊपर इधर पे फोन का मॉकअप मिल जाता है विद स्पार्क ओ एस ब्रैंडिंग एंड इधर पे कोड नेम इन्फर्नो एंड रिलीज टाइप ऑफिशियल फिर एंड्रॉयड वर्जन 11 है इधर पे एंड सिक्योरिटी पैच आपको फिफ्थ जून 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट इधर पे देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी आपको इधर पे 11 देखने को मिल जाएगा कर्नल वर्जन की अगर बात करें तो इधर पर सोवियत अफगान कर्नल यूज़ हुआ है जो कि बेसिकली इमेंसिटी पे ही बेस्ड है बट काफ़ी इधर पे ट्वीक्स हैं तो इधर पे आपको बैटरी बैकअप होपफुली अच्छा मिल सकता है क्योंकि साइबेरिया ओएस में बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा था एंड आई थिंक ये सेम कर्नल इधर पे भी यूज़ हुआ है सोवियत अफगान कर्नल तो होपफुली इधर पे बैटरी बैकअप अच्छा मिल सकता है सिस्टम लॉन्चर हमको इधर पे स्पार्क लॉन्चर देखने को मिल जाएगा तो इसके होम सेटिंग्स में जैसे कि आप देख सकते हो सबसे ऊपर आईकन्स का ऑप्शन है तो यहाँ से आप आइकन्स को आइकन पैक चेंज कर सकते हो एंड आइकन का साइज एंड फोन साइज भी इधर चेंज कर सकते हो एंड लास्ट में आपको नोटिफिकेशन डॉट का ऑप्शन इधर पे मिल जाता है फिर होम स्क्रीन के अंदर आपको सारे इधर पे होम स्क्रीन के ऑप्शन मिल जाएंगे लाइक शो गूगल एप्स एंड सजेशन्स सजेशन्स में जैसे कि आप देख सकते हो इधर पे वर्किंग है पूरी तरीके से होम स्क्रीन एंड लॉन्चर के लिए सजेशन्स फिर इधर पे ऐप ड्रॉर के अंदर अगर जाते हैं तो इधर पे आपको मिल जाता है हिडन ऐप्स तो हिडन ऐप्स में अगर आप कोई भी ऐप uh, लॉन्चर से हाइड करना चाहो तो आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हो मिसलेनियस के अंदर आपको जेस्चर सेटिंग मिल जाते हैं एंड रोटेशन सेटिंग इधर पे आपको मिल जाएगा इसके बाद एक बार विजिट सेक्शन देख लेते हैं तो ये नॉर्मल ही है इधर पे वॉलपेपर्स एंड स्टाइल्स में अगर जाते हैं तो वॉलपेपर आपको एक इनबिल्ट वॉलपेपर मिल जाएगा एंड इधर पे स्टाइल्स मिल जाएंगे तो इधर पे एक्चुअली फॉन्ट इधर पे किसी वजह से ज़्यादा नहीं शो कर रहा है बट रोम में फोन्ट्स ऑप्शन बहुत सारे इधर पे अवेलेबल हैं इवन आइकन ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं इधर पे आपको एसेंट कलर के प्रीसेट्स मिल जाएंगे तो इधर पे आपको काफ़ी सारे इधर पर एसेंट कलर के प्रीसेट्स भी मिल जाएंगे एंड इधर पे अगर आप देखें तो आइकन जो शेप्स हैं ये शेप्स भी आपको इधर पर थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं जैसे कि ये हार्ट शेप एंड दिस वन तो इधर पे आपको एक क्लाउडी शेप ये थोड़ा सा मैंने दूसरे रूम्स पे तो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ देखने को मिली यहाँ पे तो ये आपको कुछ एडिशनल इधर पे शेप्स भी इधर पे देखने को मिल जाएंगे इसके बाद रीसेंट पैनल देख लेते हैं तो मैं एक दो ऐप्स ओपन इधर पे कर देता हूँ तो जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इधर पर रिसेंट पैनल देखने को मिलेगा जैसा हमको शेफ शिफ्ट ओएस में भी एक्चुअली में देखने को मिलता है इधर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन वर्किंग है एंड इधर पे आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा साथ में आप राइट स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन से तो इधर पे आपको गूगल फीड मिल जाएगा फिर ऐप ड्रॉ और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है तो मेरे को पर्सनली ये बिल्कुल पूरा रिप ऑफ लगा शेफ शिफ्ट ओ के लॉन्चर का तो आप नेक्स्ट इधर पर नो, नोट नोटिफिकेशन पैनल देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन पैनल दिखता है इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ इधर पर क्विक सेटिंग पैनल तो क्विक सेटिंग पैनल जैसा कि आप इधर पे देख सकते हो आपको वन प्लस टाइल में मिल जाएगा आपको इधर पे इवन वन प्लस का बिग क्यू एस पैनल क्लॉक भी इधर पे देखने को मिल जाएगा एंड इधर पे आइकन्स भी इधर पे वन प्लस के आपको देखने को मिल जाएंगे क्यू एस पैनल पे एडिट के अंदर आपको इधर पे काफ़ी सारे टाइल्स देखने को मिल जाएंगे क्यू एस पैनल में लाइक आपको एफ पी एस इन्फो का टाइल मिल जाएगा ऑडियो मोड गेमिंग मोड सी पी यू इन्फो कंपास एंड इधर पे वॉल्यूम पैनल सिंक स्लीप स्क्रीन एक्सेट्रा इधर पे आपको टाइल्स देखने को मिल जाएंगे आपको कुछ इधर पे रोम स्पेसिफिक फ़ीचर्स बता देता हूँ जैसे कि आपको इधर पे गूगल फोटोज प्रूफ मिलेगा एज अ पिक्सल डिवाइस तो आपको इधर पे अनलिमिटेड हाई क्वालिटी में स्टोरेज मिल जाएगा गूगल फोटोज पे फोटोज़ के लिए आपको यहाँ पे डॉल्बी बाय मोटोरोला भी इधर पे इंस्टॉल्ड मिल जाएगा अगर आप डॉल्बी फॉर्म म्यूजिक यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे प्री बिल्ट इधर पे डॉल भी इंस्टॉल मिल जाएगा आपको मैजिस् के थ्रू इधर पे इंस्टॉल करने का कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट इधर पे आपको एक कस्टम डिस्प्ले फीचर जो सिस्टम सेटिंग्स में आई थिंक देखेंगे हम फिर से तो इधर पे आपको डी सी डेमिंग वर्किंग मिल जाता है तो गाइज़ ये कुछ ही ऐसी रोम्स हैं ओ एस एस वेंडर पर जहाँ पर आपको डी दे, डी सी डेमिंग वर्किंग देखने को मिलेगा नहीं तो बाकी ओ एस एस वेंडर रोम्स में एक्चुअली में डी सी डेमिंग वर्क करता नहीं है प्राइवेसी मैनेजर में अगर जाते हैं तो प्राइवेसी मैनेजर में आप इधर से चेक कर सकते हो कि किस फ़ोन किस परमिशन को किस किस ऐप ने इधर पे एक्सेस किया हुआ है जैसे फ़ोन का परमिशन इधर पे मेरे ये सारे ऐप्स ने एक्सेस किया हुआ है एंड इधर से जैसे कि आप देख सकते हो टेलीग्राम तो इधर से आप अलाउ डिनाई भी कर सकते हो परमिशन को इधर पे आपको क्लिपबोर्ड एक्सेस अलर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आपको जब भी कोई भी ऐप आप, आपका क्लिप एक्सेस करेगा तो उसका आपको एक अलर्ट सिस्टम एज़ अ टोस्ट मैसेज दे देगा अब हम देख लेते हैं फिंगरप्रिंट स्पीड एंड फेस अनलॉक तो सबसे पहले ए से अनलॉक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो इधर पर काफ़ी फास्ट ओपनिंग है तो फिर से एक और बार जैसे कि आपने देखा एक बार फिर से ट्राई करते हैं ए से तो ए से काफ़ी प्रॉपरली इधर पर फास्ट ओपनिंग मिल जाएगा आपको फिंगरप्रिंट यूज़ करके तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लॉक स्क्रीन से तो लॉक स्क्रीन से जैसा कि आप देख सकते हो इवन मोर फास्टर देन कंपेयर टू एओडी तो एक बार फिर से देखते हैं जैसे कि आपने देखा विद इन एन इंस्टेंट इधर पे अनलॉक हो जा रहा है फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रॉपरली वर्क कर रहा है विथ प्रॉपर एनिमेशंस एंड अब फेस अनलॉक देख लेते हैं तो फेस अनलॉक जैसा कि आप देख सकते हो कैमरा पॉप अप हुआ एंड इधर पे अनलॉक हो गया एक बार फिर से देख लेते हैं ट्राई करके तो जैसा कि आप अगेन देख सकते हैं तो इधर पर फेस अनलॉक भी प्रॉपरली आपको वर्किंग मिल जाएगा एक बार एक लास्ट ट्राई और दे लेते हैं तो इधर पर जैसा कि आप देख सकते हो फेस अनलॉक इज़ वर्किंग प्रॉपरली एक बार हम ऐप लॉकर भी देख लेते हैं तो इधर पर मैंने कैलकुलेटर को ऑलरेडी लॉक करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो इधर पर पैटर्न फिंगरप्रिंट एंड यूज़ फेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो इधर पर मैं अनलॉक करता हूँ एंड इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टेंटली इधर पर लॉक हो जा रहा है ऐप तो फिर से आपको फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक यूज़ करना पड़ेगा एक बार हम इसको अनलॉक करके देख लेते हैं फेस अनलॉक के साथ तो कैम तो फेस अनलॉक पे मैं क्लिक करूँगा एंड कैमरा पॉपअप होगा एंड अनलॉक हो गया इधर पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा एक बार तो कंफर्मेशन डायलॉग इधर पे मिलेगा अगर आप फेस अनलॉक से अनलॉक करते हो बट इधर पे ऐप लॉक का भी प्रॉपरली वर्किंग आपको मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट कैमरा इधर पे आपको जी कैम देखने को मिल जाएगा ब्यूरियल का तो इधर पे आपको सारे वर्किंग मोड्स मिल जाएंगे नाइट साइट में आपको एस्ट्रो oh, फोटोग्राफी का भी ऑप्शन इधर पे मिल जाएगा एंड इधर पे सारे मोड्स एक्चुअली में वर्किंग है सारे लेंसेज भी इधर पे वर्किंग है स्विचिंग स्विचिंग बिटवीन द लेंसेज भी इधर पे काफ़ी स्मूथ है तो इधर पर आपको जी कैम ब्यूरो वर्जन आपको इधर पर देखने को मिल जाएगा एक बार ऐप इन्फो पर जाके भी देख लेते हैं तो इधर पर जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं तो इधर पर आपको गूगल कैमरा ब्यूरो एल सिक्सटीन ये वर्जन आपको गूगल कैमरा का इधर पे देखने को मिल जाएगा अगर आप चाहो इधर पे तो आप ए कैमरा भी इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपको गाइड चाहिए कि ए कैमरा कैसे इंस्टॉल करना है तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक कार्ड मिल जाएगा तो आप उस पर क्लिक करके गाइड देख सकते हैं कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो ई कैमरा सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं लैंग्वेज एंड इनपुट के नीचे इधर पे हमें फ्रंट कैमरा सेटिंग्स का ऑप्शन इधर पे मिल जाएगा तो फ्रंट कैमरा सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो इधर पे आपको कैमरा एलईडी फ्रंट कैमरा रेस डायलॉग एंड साउंड इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन इधर पर मिल जाएगा एंड इधर पर आपको सारे एम के जो साउंड इफेक्ट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हो इधर पर सारे अवेलेबल आपको मिलेंगे देन फिर आपको इधर पर मिल जाता है कैलिब्रेट मोटर का ऑप्शन तो आप इधर से अगर आपका कैमरा पॉपअप नहीं हो रहा है फ्रंट कैमरा तो इधर से आप मोटर कैलिब्रेट भी कर सकते हो थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन इधर पे आपको मिल जाएगा तो आप इधर से बैटरी थर्मल प्रोफाइल इधर से सेलेक्ट कर सकते हो तो गेमिंग का इधर पे ऑप्शन इधर पे देख लेते हैं टच सैम्पलिंग रेट का इधर पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बट आपको बाकी इधर पे गेमिंग आप सेट कर सकते हो एंड अपने हिसाब से इधर पे थर्मल प्रोफाइल सेट कर सकते हो कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स में इधर पे आपको डीसी डेमिंग एंड हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाएगा तो गाइज ये कुछ ही ओएसएस रूम्स में से एक है ये स्पार्क ओएस जिसमें आपको डीसी वर्किंग मिलेगा नहीं तो जनरली ओ एस एस वेंडर रोम पर डीसी डेमिंग वर्किंग नहीं मिलता है फिर इधर पे आप सबसे नीचे देख सकते हैं सिस्टम अपडेट तो इधर पे आप ओ टी ए अपडेट भी रिसीव कर सकते हैं स्पार्क ओएस के फिर इधर पे हम अपडेटर का एक बार सेटिंग्स देख लेते हैं तो सेटिंग्स में जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो ऑटो अपडेट चेक तो इधर पे आप फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हो एंड डिलीट अपडेट पैकेज वेन इंस्टॉल्ड ये ऑप्शन मिल जाएगा फिर मोबाइल डेटा वार्निंग का इधर पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा सिस्टम अपडेटर के सेटिंग्स के अंदर नेक्स्ट हम रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर देख लेते हैं जिसको यहाँ पे लेबल किया गया है फाव वर्कस के नाम से सबसे ऊपर आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है तो थीम्स में सबसे ऊपर आपको आर जी एक्सेंट कलर पिकअ का ऑप्शन मिल जाएगा देन इधर पर प्रीसेट्स मिल जाएंगे एक्सेंट कलर्स के फिर इधर पे आपको आइकन शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा देन इधर पे आइकन पैक्स का ये दोनों सिस्टम की चीज़ें हैं अगर आपको इधर पर क्लॉक स्टाइल का ऑप्शन मिल जाएगा तो क्लॉक स्टाइल्स में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इधर पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इधर पर ये वन प्लस के ऑप्शन एनालॉग क्लॉक्स भी आपको देखने मिल जाएंगे लाइक वन प्लस रोमन एक्सेट्रा एंड नीचे से आप इधर पे आर कलर का या फिर एक्सेंट कलर इधर पर आप सेट कर सकते हो क्लॉक पे फिर इधर पर आप सेटिंग्स डैशबोर्ड आइकन देख सकते हैं तो इधर पर आप ऑक्सीजन ओ 11 एंड 10 का भी ऑप्शन मिल जाता है तो एक बार मैं आपको पूरा मेरे को ऐप बंद करना पड़ेगा इसे दिखाने के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन ओ एस ए टेन का आपको स्टाइल इधर पर मिल जाएगा तो हम एक बार फिर से अंदर चलते हैं थीम्स के अंदर तो यहाँ पर आपको स्विच स्टाइल भी देखने को मिल जाएगा तो इधर पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे काफ़ी सारे इधर पर स्विच स्टाइल के तो स्विच स्विच स्टाइल एक्चुअली में ये है तो आप इसका भी स्टाइल इधर पर चेंज कर सकते हो डार्क थीम का ऑप्शन इधर पर आपको मिल जाएगा तो डार्क थीम को एक बार हम इनेबल कर लेते हैं एंड इधर पे आपको कलर बकेट का ऑप्शन मिल जाएगा तो कलर बकेट में आपको काफ़ी सारे इधर पे डार्क थीम के कलर भी देखने को मिल जाएंगे देन फिर इधर पे जैसा कि मैं बोल रहा था फ़ोनस इधर पे काफ़ी सारे हैं तो इधर पे आपको फोनस काफ़ी सारे इधर पे देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट आई थिंक हंड्रेड वन ट्वेंटी तो होंगे ही होंगे काफ़ी सारे फोनस इधर पे मिल जाएंगे जी विजुअल मोड भी इधर पे आपको इनबिल्ट मिल जाएगा तो आप राउंडेड कॉर्नर सेटिंग्स कर सकते हो वॉल्यूम पैनल इधर पर आपको एम आई आई एन टाइल्ड इधर ये स्टॉक यू एस पी का देखने को मिल जाएगा क्यू एस पैनल स्टाइल्स तो आप इधर पर स्टाइल चेंज कर सकते हो देन इधर पे क्यू स्टाइल डिस्को का ऑप्शन मिल जाएगा क्यू ए स्टाइल टेंट का ऑप्शन मिल जाएगा तो एक्सेंट कलर ऑक्सीजन ओ एस एवन एंड एंड्रॉयड ट्वेल्व का ऑप्शन इधर पे आपको मिल जाता है फिर कलर्ड हेड आइकन एंड कलर कलर्ड स्टेटस बार आइकन जैसा कि इधर पे आप देख सकते हो इधर पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे देन आपको स्टेटस बार बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा तो अगर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं तो आप जैसे देख सकते ऊपर इधर पर ट्रांसपेरेंट हो गया जो कि काफ़ी बेकार लग रहा है मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो ये ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा लगता है एक्चुअली में तो फिर इधर पे आपको बैकग्राउंड अल्फा एंड नोटिफिकेशन बैकग्राउंड अल्फ़ा तो आप इधर पे क्यू एस पैनल का बैकग्राउंड भी इधर पे अगर आप चाहो ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट करने को तो आप इधर से कर सकते हो सेम नोटिफिकेशन के जो हैडेस होते हैं उनका बैकग्राउंड भी आप इधर से ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट कर सकते हो कुछ इस तरीके से लास्ट में आपको इधर पे मीडिया प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप स्टेटस बार में उसे शो करना चाहते हो तो फिर हम चलते हैं क्यू एस पैनल सेटिंग्स में तो क्यू एस पैनल सेटिंग्स में आपको इधर पे सबसे ऊपर राइट right से स्मार्ट पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है टाइल्स टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है बैटरी परसेंट का ऑप्शन मिल जाता है बैटरी एस्टिमेट व्हेन क्यू एस पैनल इज एक्सपेंडेड का ऑप्शन मिल जाएगा डेटा यूजेज इन क्यू एस हेडर तो इधर पर जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑप्शन भी आपको इधर पर मिल जाएगा स्मार्ट पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा इधर पर आपको स्मार्ट पुल डाउन अगर आप इनेबल कर देते हो तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होगा आप कहीं से भी अगर स्वाइप करते हो तो सीधे क्यू एस पैनल ओपन होगा देन आपको इधर पे फिर आप इधर से क्यू पैनल डिसेबल भी कर सकते हो लॉक स्क्रीन पे फिर फ्लिप्स फ्लिप एनिमेशन एंड ऑल इधर पे मिल जाएगा फिर आप रोज एंड कॉलम इधर से कस्टमाइज कर सकते हो क्यू पैनल का स्टेटस बार के अंदर जाते हैं तो सबसे ऊपर आपको क्लॉक एंड डेट का ऑप्शन मिल जाता है तो इधर से आप स्टेटस बार क्लॉक इधर से कस्टमाइज़ कर सकते हो ए एम एम स्टाइल एंड ऑल बैटरी बार इधर से कस्टमाइजेशन कर सकते हो आप एन एनेबल कर सकते हो फिर इधर पे आपको स्टेटस बार का लेफ्ट एंड राइट पैडिंग भी इधर पे सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा फिर आपको इधर पे ट्रैफिक इंडिकेटर एंड शो फोर जी इंस्टेड ऑफ एल ये सारे ऑप्शन इधर पे बेसिक मिल जाएंगे लॉक स्क्रीन के अंदर सबसे ऊपर आपको लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो एंड इधर पर आपको चार्जिंग एनिमेशन भी काफ़ी सारे इधर पर मिल जाएंगे फिर इधर पर चार्जिंग एनिमेशन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के आइकन्स चेंज करने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का आप इधर पे बैकग्राउंड भी ब्लर कर सकते हो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटिफिकेशन टू शो ऑन लॉक लॉक स्क्रीन भी आप इधर से सेट कर सकते हो ए ओडी आइकन ऑन लॉक स्क्रीन तो एक बार मैं आपको इसको इनेबल करके दिखा देता हूँ तो सिस्टम यू आई इधर पर री होगा तो तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन में इधर पे ए ओडी स्टाइल में आपको नोटिफिकेशन आइकन दिख जाएंगे एक पूरा हेडर नहीं आएगा सिर्फ ये छोटे छोटे से आइकन्स आपको इधर पे लॉक स्क्रीन पर भी आप अगर चाहो तो इधर पे इनेबल कर सकते हो देन फिर इधर पे आप लॉक स्क्रीन आइकन का साइज भी इधर से सेट कर सकते हो फिर इधर पे आपको स्टेटस बार लॉक स्क्रीन पे दिखाना है कि नहीं इसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा पॉकेट डिटेक्शन एंड फिर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का शेड्यूलिंग ऑप्शन इधर पे मिल जाता है फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन का ऑप्शन भी है इधर पे फिंगरप्रिंट एनिमेट फिंगरप्रिंट आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा तो इधर पे आपको एनिमेट फिंगरप्रिंट आइकन के लिए ओ एस एस लेवन वन यू आई टू एंड वन यू आई वन इधर पे एंड एम आई वाई डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा फिंगरप्रिंट आइकन तो फिंगरप्रिंट आइकन जैसे कि आप देख सकते हो इधर पे काफ़ी सारे इधर पे फिंगरप्रिंट के आइकन भी आपको मिल जाएंगे फिर इधर पे फिंगरप्रिंट प्रेस्ड कलर का ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन ऑफ फिंगरप्रिंट भी इधर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा एंड इधर पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको काफ़ी सारे इधर पे एक्चुअली में देखने को मिल जाएंगे जस्ट लाइक एवोल्यूशन एक्स एंड फिर इधर पे आपको मीडिया कवर आर्ट के इधर पे ऑप्शन मिल जाते हैं ब्लर लेवल एंड विजुअलाइजर का ऑप्शन इधर पे आपको लास्ट में मिल जाएगा पावर मेन्यू के अंदर यू एस पी सेटिंग्स में आप इधर पे कार्ड्स एंड पासस एंड डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन इधर पे मिल जाएगा एडवांस रिबूट इधर से आप इनेबल कर सकते हो हाइड ऑन लॉक स्क्रीन तो पावर मेन्यू आपका हाइड हो जाएगा लॉक स्क्रीन पे एंड लास्ट में आप पावर मेन्यू का ऑपेसिटी भी इधर से चेंज कर सकते हो जेस्चर्स में सबसे ऊपर आपको ए एस पी जैस्चर्स तो इधर पे क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन सबसे ऊपर है सिस्टम नेविगेशन तो इधर पे जेस्टर नेविगेशन की सेटिंग्स देख लेते हैं बैक सेंसिटिविटी आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा फिर जेस्चर बार लेंथ एंड रेडियस भी आप इधर से चेंज कर सकते हो एडवांस जेस्चर में आप एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शंस भी इधर से आप डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से तो आप इधर पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आप इधर पर आप इसको सेट कर सकते हो फिर आपको प्रिवेंट रिंगिंग का ऑप्शन इधर पर मिल जाता है एंड स्वाइप टू स्क्रीन शॉट तो इधर पर एक बार देख लेते हैं स्क्रीन शॉट टाइप आपको मिल जाएंगी फुल स्क्रीन या फिर ड्रैक टू सेलेक्ट का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा तो इधर पर एक बार देख लेते हैं तो इधर पर पूरी तरीके से वर्किंग है स्वाइप टू स्क्रीन शॉट का ऑप्शन भी फिर स्किप म्यूजिक ट्रैक एंड एडेप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन आपको इधर पर मिल जाएगा फिर जेशचर के अंदर ही आपको इधर पर डबल टैप जैचर का ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस बार पे डबल टैप करके स्लिप करना स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर सेम ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा डबल टैप टू डोज का ऑप्शन मिल जाएगा एंड टोगल टॉर्च वन स्क्रीन इज ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा तो इधर पे एक्चुअली में आपको डबल टैप ऑन पावर बटन का ऑप्शन इधर पे वर्किंग नहीं मिलेगा मैंने तीन चार बार ट्राई किया बट एक भी बार वर्किंग नहीं मिला तो लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च आप अगर इधर पे इनेबल करना चाहो तो ये इधर पे वर्किंग आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर इधर पे हमें हेडसअ का ऑप्शन मिल जाता है टिकर का ऑप्शन इधर पे मिल जाएगा फेड एंड स्क्रोल टाइप से इधर पे आप टिकर यूज़ कर सकते हो चाहो तो देन फिर इधर पे नोटिफिकेशन साउंड इफ़ एक्टिव का ऑप्शन मिल जाता है वाइब्रेट फॉर नोटिफिकेशन एंड इधर पे आप स्क्रीन एज लाइटनिंग भी आप ऑन करना चाहो तो कर सकते हो एंड कस्टमाइज़ कर सकते हो कलर ड्यूरेशन एंड ओपेसिटी वगैरह इधर से नेविगेशन बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं इधर पे फिर बटनस के अंदर जाते हैं तो आपको इधर पे वॉल्यूम बटन से कुछ कंट्रोल करना है तो आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है लाइक वॉल्यूम रॉकअप वेक कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल एंड ऑल इधर पर ऑप्शन मिल जाएंगे मिसिलेस के अंदर आपको गेमिंग मोड मिल जाता है तो आप इधर से इनेबल गेमिंग मोड कर सकते हो तो मास्टर स्विच इधर पे एक्चुअली में गेमिंग मोड का आपको मिसलेनियस के अंदर मिलेगा फिर आपको नीचे फिर इधर पे आपको सेंसर ब्लॉक पर पैकेज भी मिल जाता है तो आप अगर किसी ऐप का सेंसर ब्लॉक करना चाहो तो आप इधर से ऐप ऐड कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट इधर पे आपको पांच ऐप ऑलरेडी एडिड मिल जाएंगे बट अगर आप और ऐड ऐप करना चाहो इधर पे तो कर सकते हो तो कर सकते हो फिर आपको इधर पे स्क्रीनशॉट क्वालिटी का ऑप्शन मिल जाएगा देन आपको डोज ब्राइटनेस कॉन्फिक्स का ऑप्शन मिल जाता है तो इधर पे आप एमबियन डिस्प्ले एंड एमबियन नोटिफिकेशन का इधर से आप अगर ब्राइटनेस आपको कम लगता है तो आप फोर्स ब्राइटनेस वैल्यू कर सकते हो स्क्रीन ऑफ एनिमेशन में आपको सी एंड स्केल का ऑप्शन इधर पर मिल जाएगा फिर आपको इधर पर यू एस का ऑप्शन मिल जाएगा तो जब भी आप पी से कनेक्ट करते हो तो किस मोड में कनेक्ट होएगा आपका फ़ोन आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो सो so गाइस ये था पूरा इधर पे फायर वर्क सेक्शन जो इधर का आ, स्पार्क एस का हमारा कस्टमाइजेशन सेंटर है अब मैं आपको दिखा देता हूँ साउंड सेटिंग्स तो इधर पे आपको कुछ ये बेसिक स्टाइल में आपको साउंड सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा सबसे नीचे आपको एम आई साउंड एनहेंसर एंड क्लियर स्पीकर का ऑप्शन भी इधर से मिल जाएगा डिस्प्ले सेटिंग्स आप जैसे कि देख सकते हैं इधर पे नॉर्मली एक डिस्प्ले सेटिंग्स जैसा हर रोम पे हमें देखने मिलता है कुछ इधर पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है लॉक स्क्रीन के अंदर अगर जाते हैं तो आपको इधर पे लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इधर ऑप्शन मिल जाता है डबल टैप का ऑप्शन इधर मिल जाता है आप इधर से जेस्टर्स से सेट कर सकते हो पॉकेट हैंडवेव एंड पिकअप मोड इधर से आप चूज कर सकते हो देन फिर इधर पे आपको टैप टू वेक एंड एनेबल ब्लर का ऑप्शन डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगा इसके बाद बैटरी सेटिंग्स तो बैटरी सेटिंग्स में सबसे ऊपर आपको एक कूल cool एनिमेशन देखने को मिल जाएगा देन इधर पे आपको एस्टिमेट इधर पे मिल जाएगा बैटरी सेवर का ऑप्शन इधर पे आपको वर्किंग मिल जाएगा एडेप्टिव बैटरी इधर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा देन इधर पर बैटरी के स्टैट्स हैं लाइक चार्जिंग इन्फो एंड कितने साइकिल कंप्लीट हुए स्मार्ट चार्जिंग ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज आपको इधर पर मिल जाएगा एंड स्मार्ट कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर आपको इधर पर अवेलेबल मिल जाएगा सो so गाइस हम एक बार ओके गूगल टेस्ट कर लेते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हो इधर पर वर्क कर रहा है ओके गूगल एक बार और करते हैं ओके गूगल सो इट्स इट इज़ वर्किंग एक बार और ट्राई कर लेते हैं ओके गूगल सो आप देख सकते हैं इधर पर वर्क कर रहा है ये एक बार हम से ट्राई करते हैं ओके गूगल तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्किंग है ये एक बार स्क्रीन ऑफ़ के साथ हम इधर पर ट्राई कर लेते हैं तो ओके गूगल जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो इट इज़ वर्किंग फाइन है तो जैसा कि आप इधर पे देख सकते हैं ओके गूगल प्रॉपरली वर्क कर रहा है स्क्रीन ऑन एंड स्क्रीन ऑफ दोनों के साथ मैं आपको एक छोटा सा रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी इधर पे करके दिखाता हूँ तो इधर पे जैसे कि आप इधर पे होम स्क्रीन पे मेरे ऐप्स देख रहे हैं मैं ये सारे ऐप्स इधर पे ओपन करूँगा देन वन बाय वन इधर पे हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐप मेमोरी पे है एंड कौन सा ऐप मेमोरी से आउट हो गया है तो ऑलमोस्ट मेरे सारे ऐप्स ओपन हो ही गए हैं तो इसके बाद हम एक बार फिर से रीओपनिंग स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा इधर पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ऐप ओपनिंग कंपेयर्ड टू अदर रोम्स थोड़ा सा स्लो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली इधर पर मेरे को स्लो लगा तो जैसे कि आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेव टू का वाइल टू लोड एंड इवन अभी भी वो लोड ही हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड तो इधर पे स्लो है ऐप ओपनिंग का इवन फाइल्स भी स्लो लोड हुआ कीप नोट्स जैसा एक छोटा सा ऐप भी इधर पे स्लो लोड हुआ आ, क्योंकि इतने सारे ऐप्स ओपन हो गए तो आई थिंक इधर पे रैम हॉगिंग हो गया है तो अब इसके बाद हम देखते हैं तो फ़ोन एक्चुअली में रीलोड हो गया मैसेज मेमोरी में रहा यूट्यूब आप देख सकते हो इधर पे रीलोड हो गया मै जिस भी रीलोड हो गया लोगो पिट इधर पे मेमोरी में था फॉर्चुनेटली एंड इधर पे वाई टी म्यूज़िक का आप देख सकते हो रीलोड हो गया यूट्यूब स्टूडियो भी रीलोड हो गया एंड इवन वाट्सएप भी रिलोड टेलीग्राम भी रिलोड हो गया एंड प्ले स्टोर भी रीलोड तो ऑलमोस्ट सारे ऐप्स जैसे कि आप देख सकते हो इधर पर रीलोड हो रहे हैं तो कोई भी ऐप एक्चुअली में एक्सेप्ट लोगों पेट और मैसेज़ आई थिंक तो इनके अलावा कोई भी इधर पर मेमोरी में नहीं रहा तो ईवेन आप देख सकते हो तो फेसबुक भी इधर पर रीलोड हो गया मैप्स इधर पर फॉर्चुनेटली मेमोरी में है ब्रेव इधर पर मेमोरी में है तो जो लास्ट में मैंने ऐप ओपन किए थे वो मेमोरी तो में है बट जो पहले हमने शुरू में ऐप्स ओपन किए थे वो सारे के सारे मेमोरी से बाहर हो गए थे तो इधर पे आपको कुछ खा बिल्कुल मेरे को तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी बेकार लगा तो इधर पे ये एक्चुअली में इम्प्रूव हो सकता है मे बी नेक्स्ट अपडेट के साथ तो इसी के साथ साथ हम एक बार गीक बेंच फाइव का बेंच मार्क रिजल्ट देख लेते हैं तो मैंने इधर पे ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है अभी थोड़ी देर पहले तो इधर पे जैसा आप देख सकते हो सिंगल कोर पे थ्री एंड मल्टी कोर पर टू का स्कोर आपको मिल जाएगा बट अगेन अगर हम देखें बेंच स्कोर काफ़ी डिसेंट है बट स्टिल इधर पर मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी पुअर देखने को मिलेगा इसी के साथ हम सेफ्टी नेट स्टेटस भी चेक कर लेते हैं तो जैसा कि आप इधर पर देख सकते हो मैं इधर पर रन टेस्ट करता हूँ एंड इधर पर सेफ्टी नेट स्टेटस आपको पास मिलेगा आप विद मैजि कैंड विदाउट मैजिस्क प्रॉपरली इधर पर सेफ्टी नेट पास कर सकते हो एंड बैंकिंग ऐप भी विदाउट एनी इश्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन